अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोफ्ता, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ये दालियाँ ली हूँ, इसे चना दाल भी कहा जाता है। तो इसे मैं सबसे पहले पीस लूँगी। तो इसे मैंने हाफ कप दालियाँ ली हूँ और ये मैंने पीस के रख ली हूँ। और अभी देखिए, ये मैंने ये मशीन का कीमा ली हूँ, ये मेरा आधा किलो कीमा है। अब इसे मैं मिक्सी जार में डालूंगी। आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसे पीस सकते हैं। तो अब ये कीमे को मैंने मिक्सी जार में डाल दी हूँ और अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। जिसके लिए मैं सबसे पहले लूंगी ये कुछ मसाले। तो ये हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और नमक है। अब इन सब मसालों को इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड करी हूँ। और ये चना दाल का जो ये दालियाँ पीसे थे, ये मैं 3 टेबल स्पून ली हूँ, इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद अब इसमें मैं ये हरी मिर्च और ये प्याज का पेस्ता है, मैंने इसे बना के रख ली थी, अब इसमें ये ऐड करेंगे। और अब इन सबको आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिए, या तो एक साथ अगर आपके मिक्सी में होता है तो इसे पीस लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट, बिल्कुल सा ऐसा बारीक सा पतला रुई जैसा हो जाना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया ऐड करूँगी और अब इसे मिक्स करके अब इसके कोफ्ते बना के रख लेना है। तब इन सब को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सी में पीसने से ना मसाले वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए मिक्सी या चॉपर में आप किसी भी चीज़ में इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो अब ये देखिए, आप एक ही साइज़ का कोफ्ता बनाइएगा इस तरीके से। आप पहले मुट्ठी में अंदाज़ा ले लीजिए आप किस साइज़ के बना रहे हो। तो इस तरीके से आप पहले इस तरीके से मुठियाँ बना लीजिए और फिर उसके बाद उसे कोफ्ते की शक्ल में दे दीजिए। और एक साथ देखिए, एक ही साइज़ के मैंने ये बना ली हूँ। अब इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना के रख लूँगी एक साथ में। तो अब ये कोफ्ते तो बनके तैयार हो चुके हैं। तो आज मैं कोफ्ते को फ्राई करके बनाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से लोगों के घर में ना कोफ्ते को इस तरीके से पसंद नहीं करते हैं फ्राई करना, या उसे कुक करके ही ऐड करना होता है। तो देखिए, ये इस तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। पहले तेल को फुल फ्लेम पे गरम कर लेना है, फिर उसके बाद में उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। ये तो ये बहुत अच्छे से ये कोफ्ते हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ये सारे कोफ्ते बना लेना है। अब ये मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज लूँगी। अब एक पतीली में मैं तेल गरम करूँगी और उसके बाद में वो प्याज को रफली चॉप करके उसे मैं इस तरीके से मैं भून लूँगी लाइट ब्राउन होने तक का। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए, इसे निकाल लेना है, निकाल के ठंडा करके इसे पीस लेना है। तो अब ये अच्छे से हो चुकी है, अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। आप चाहे तो पहले भी प्याज का बेस्ता बना के रख सकते हैं कोफ्तों में ऐड करने के लिए। तो अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसके लिए मैंने 2 तेज़पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची है। अब ये मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी हूँ। अब इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर है, इन सब मसालों को ऐड कर देना है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इन मसालों को मैं कुक होने के लिए थोड़ा सा छोड़ दूंगी, ताकि इसके जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसके बाद में ये मैंने 2 टमाटर ली हूँ। अब ये 2 टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना ली हूँ। अब इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे, टमाटर को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब उसके बाद में जो ये प्याज का पेस्ट बना के रखे थे, उसे पीस लेना है। अभी जो चना दाल, जो दालिया का पाउडर बनाए थे ना, अब ये 1 टेबल स्पून ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इन सबको मैं इस तरीके से अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा पानी डाल लेना है और थोड़ी देर इसे कुक होने देना है। अब ये मसाला तो बहुत अच्छे से कुक हो चुका था, तो अब मैं इसमें ये कोफ्ते डालूँगी। अब इसे बहुत ज़्यादा आप कुक नहीं करना है, क्योंकि मैंने कोफ्ते को ऑलरेडी कुक कर ली हूँ। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से इसे मैं पका लूँगी। और इसके बाद में लास्ट में गरम मसाला पाउडर,
कोथमीर और हरी मिर्ची कट करके इसमें ऐड कर देना है, उसे 2 मिनट के लिए बस छोड़ देना है। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बनके तैयार है। इंजॉय करिए, अपनी फैमिली को बनाइए, खिलाइए। फी अमान अल्लाह।